नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर के कई बार कहने पर मैं फिर एक बार वेंडिगो की एक नई और अनोखी कहानी लेकर आया हूँ। पहले भी वेंडिगो की सारी कहानियों को आप सब ने बहुत से ज़्यादा प्यार दिया, इसीलिए आप सबको धन्यवाद। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है एल्बर्ट की। आगे की कहानी मैं एल्बर्ट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम एल्बर्ट है। मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से ही अपनी नानी के साथ रहता था और मेरे मम्मी पापा एक जंगली इलाके में रहते थे। साल में बस एक दो बार ही वो दोनों मुझसे मिलने आते थे। अचानक हमें ये खबर मिली कि मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रोने लगा। फिर मेरी नानी ने कहा, रो मत बेटा, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। ये सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगा। फिर मैंने नानी से पूछा, क्यों नानी, ऐसा क्यों कह रही हो? फिर नानी ने भी आंखें नम करते हुए कहा, तुम्हारे मम्मी और पापा बहुत ज़िद्दी थे। जो दोनों ने ठान लिया बस वही करते थे। वो जंगल में रहते थे और एक बड़ा सा रिसर्च कर रहे थे जो कि काफ़ी ख़तरनाक भी था। मैंने आंखें बड़ी बड़ी कर ली ये सुनते ही और पूछा, कौन सा रिसर्च नानी? तुम जब बड़े हो जाओगे अपने आप ही समझ जाओगे बेटा, नानी ने कहा। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल का था। फिर 10 साल गुजर गए और 20 साल का हो गया मैं। और फिर एक दिन नानी भी गुजर गई। अब मैं पूरा अकेला पड़ गया था इस दुनिया में। वैसे पैसे और जायदाद तो बहुत थे मेरे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐसे 5 साल और गुजर गए। फिर एक दिन अचानक मुझे ऊपर के एटिक से कुछ बड़े बड़े नोटबुक्स मिले। जब मैंने उसे नीचे उतारा पढ़ने के लिए तो पता चला वो मेरे मम्मी पापा की ही रिसर्च की नोटबुक्स थी। कुछ देर और ढूंढने के बाद मुझे वहाँ से एक वीडियो टेप भी मिला। आप सबको मैं बता दूँ, जब मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई तभी मेरी नानी ने मेरे मम्मी पापा का सारा सामान उनके फॉरेस्ट कॉटेज से यहाँ ले आए। ये नोटबुक्स और टेप उन्हीं सामान में से ही निकला था। जब मैंने वो टेप प्ले किया तो देखा बस अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। जंगल के एक कोने से कुछ छोटी मोटी रोशनी आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो कैमरा को छिपाया गया हो और शूटिंग किया जा रहा था। करीब 15 मिनट के बाद एक अजीब सी चीज़ मैंने उस कैमरे में देखा। कम रोशनी में भी बस इतना ही देख पा रहा था कि एक बड़ा सा हिरन अपने दोनों पैरों पर खड़ा था और उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट होगी और आंखें एकदम सुर्ख लाल। और सबसे भयानक नज़ारा तो कुछ और ही था। उस जानवर के हाथों में एक इंसान का सर था और वो सर किसी और का नहीं, वो मेरे मम्मी का था। ये देखते ही मैंने अचानक वो वीडियो वहीं बंद कर दिया और रोने लगा। इसके बाद मैंने जब वो सारी नोटबुक्स पढ़ी तब पता चला कि वो कोई जानवर नहीं था, दरअसल वो एक वेंडिगो था। तब मुझे पता चला वेंडिगो एक पैरानॉर्मल क्रिएचर है जो कि एक शापित जानवर भी हो सकता है। अब दिन ब दिन मेरी दिलचस्पी और बढ़ती गई वेंडिगो सब्जेक्ट के ऊपर। फिर और ढूंढने के बाद एक और नोटबुक मुझे पढ़ने को मिली और उस नोटबुक को पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे मॉम डैड के साथ एक और आदमी भी काम कर रहा था जिसका नाम था आर्थर। वो मेरे मॉम एंड डैड के साथ रिसर्च कर रहा था और अचानक वो एक दिन गायब हो गया। फिर नोटबुक में लिखा था, अब आर्थर भी एक वेंडिगो बन चुका है। अब मुझे पता चल रहा था कि मेरे मम्मी पापा असल में वेंडिगो हंटर्स ही थे।
और शायद वो खुद ही वेंडिगो का शिकार बन गए थे। अब मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपने मम्मी पापा के मौत का बदला जरूर लूँगा उस शैतान से। फिर मैंने ये पूरी बात मेरे दोस्त प्रिंस को बताई, वो भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। पर हमें पता नहीं था कि ये सब जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं। कुछ और रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि वेंडिगो को सिर्फ आग और चांदी की गोलियों से ही मारा जा सकता है। मैं और प्रिंस पूरी तैयारी करके निकल पड़े उसी फॉरेस्ट कॉटेज की ओर। वो जंगल हमारे शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर था। हम दोनों सारा सामान और बंदूक गोलियां सब लेकर पहुंच गए जंगल में। उस जंगल में घुसने से ही एक अजीब सी मनुष्यत हम महसूस कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ के पेड़ पौधे हवाएं सब हमें वहाँ से भाग जाने के लिए कह रहे हों। प्रिंस की हिम्मत ने तो वही जवाब दे दिया। प्रिंस ने कहा, भाई यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं, बदला कभी और ले लेना। पर मुझे तो जैसे भी हो बदला लेना था। मैंने कहा, तुझे अगर जाना है तो जा, मैं तो उस शैतान को मार के ही जाऊँगा। फिर प्रिंस भी मेरे साथ रुका, हालांकि उसका मन नहीं था, फिर भी वो रुका। कॉटेज की हालत बहुत ही ख़राब थी क्योंकि कई सालों से वहाँ कोई आता जाता नहीं था। फिर हम दोनों ने साफ सफाई की और वहाँ रहने लगे। रात को हमने कॉटेज को अच्छी तरह से लॉक कर दिया चारों तरफ से और अपने अपने बंदूक को अपने बिस्तर के पास ही रख दिए थे और सोने चले गए। रात को एक अजीब सी आवाज़ से मेरी नींद खुली। वो एक गुर्राहट थी या फिर एक दहाड़ भी कह सकते हैं। ये आवाज़ सुनकर प्रिंस भी उठ गया। हम दोनों ने अपने अपने हथियार संभाल लिए और बिस्तर से उठकर कॉटेज की ऊपर वाले बैल्कनी में जाने लगे। हम दोनों छिपकर बैल्कनी में नीचे बैठ गए। कुछ ही देर बाद वो भयानक दहाड़ फिर से हमारे कानों पर पड़ी। अब मैं ट्रिगर पे हाथ रखकर एकदम तैयार था कि अचानक मैंने देखा मेरी कार के पीछे वही शैतान खड़ा था और बिल्कुल हमारी ओर घूरे जा रहा था। वो हमसे करीब 50 मीटर की दूरी पर था। वो वेंडिगो चुपचाप खड़ा था। आज मैं पहली बार एक राक्षस को अपने सामने देख रहा था। सच बताऊं तो वो काफ़ी बड़ा था। वो इतना बड़ा था कि मेरी कार भी उसके सामने छोटी पड़ रही थी। शायद उसने हमें देख लिया था या फिर सूंघ लिया था। अब आगे जो भी हुआ हमारे साथ वो याद करते ही हमारा तो खून सूख जाता है। वो शैतान सीधा हमारे ओर कूदा। हम दोनों ने अंधाधुन गोली चलाया उस शैतान पर। फिर वो शैतान जख्मी हालत में गिरते पड़ते जंगल की ओर भाग गया। हम दोनों भी डर के मारे अपनी कार में जाकर घुस गए और कार स्टार्ट करके सीधे शहर की ओर भागने लगे। हम लोग अपने अपने घर तो पहुंच गए पर एक बड़ी सी गलती कर दी, वेंडिगो को जख्मी छोड़कर। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि अब वो शैतान हम दोनों को सूंघ चुका था।